लुधियाना में वार्ड नंबर 8 के पार्षद चौधरी यशपाल सिंह कुछ दिन पहले नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के दफ्तर गए थे और ज्वाइंट कमिश्नर ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें दफ्तर के गेट के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सियासत काफी गर्मा गई। लुधियाना के कई संगठन के लोग और श्रोमणी अकाली दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बनती कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि मामले की जाँच पड़ताल की जाएगी। पिछले दिन चौधरी यशपाल जी जो वार्ड नंबर 8 तो कौंसलर ने लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ने और हज़ारा लोगों ने उन्होंने चुनिया वा, वो एक काम लई ज्वाइंट कमिश्नर मनजीत सिंह चीमा जी के कोल मिलने वास्ते गए तो शायद कारपोरेशन के इतिहास या इलैक्ट जिन्हें भी चुने हुए प्रतिनिधि आ उन्होंने इतिहास पहली बार मौका वा कि एक ज्वाइंट कमिश्नर एक चुने हुए प्रतिनिधि ने कह रहा भी तू अंदर किदा आ गया, भाई पहला बाहर चल बाहरों पर्ची भेज फिर तैनू मैं बुलाऊँगा। उस गल नू लै के और उस तो बाद जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का एक सानू समुचे देश वासियों नू विशेष तौर पर जिहड़े दलित समाज के लोग ने उन्होंने अधिकार मिले हुए ने उन्हां बारे भी बाबा साहब बारे भी उसने बड़ा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो यह कहा कि बाबा साहब ने तो साढ़े अयोग्य लोग जड़े ने वो सिर ते चढ़ाए हुए ने। तो इस गल नू लै के उत्थे प्रदर्शन भी होया, ACP साहब आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अज तमाम श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े लोग सीनियर लीडरशिप आ तमाम सारे कौंसलर ने वो चौधरी यशपाल जी के हक के CP साहब नूं मिलने वास्ते आए ने और एक परचा जिहड़ा असी रिकमेंड करवाया वा ACP साहब ने रिकमेंड किया उस नूं रिकमेंड करवाने वास्ते असी आए हाँ। उम्मीद करते हैं कि माणयोग CP साहब साडियां भावनां दा सन्मान करनगे। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।